नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के 543 यानी कि संपूर्ण भारत की सभी 543 लोकसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। 2024 के चुनाव को लेकर ये ओपनिंग पोल करवाए हैं। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं या फिर राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल यानी कि इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? तो दोस्तों, एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आने वाली है 2024 के चुनाव में। एसएन न्यूज की तरफ से एक स्मार्ट वोट जीतने का अच्छा मौका आया सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको करना है ये काम। जी हाँ दोस्तों, एसएन न्यूज के द्वारा किए गए इस सवाल के जवाब को आप देने में कामयाब होते हैं तो कमेंट बॉक्स में तो आप जीत सकते हैं एसएन न्यूज की तरफ से चमचमाती वॉच यानी कि घड़ी। ये घड़ी जीतने के लिए चलिए बात कर लेते हैं आज के गिव अवे वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर कहाँ बनने जा रहा है? ए अयोध्या, बी भोपाल, सी मथुरा या नेपाल। आप हमें कमेंट बॉक्स में सही आंसर का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एसएन न्यूज की तरफ से एक स्मार्ट वॉच। दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से सबसे पहला राज्य निकल के आ रहा है नागालैंड। नागालैंड की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल यानी कि इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो सभी 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिल सकता है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। सिक्किम राज्य की, सिक्किम की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर कब्जा हो सकता है एनडीए गठबंधन का और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट। गोवा राज्य की, जी हाँ दोस्तों, गोवा में 2 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 2 लोकसभा सीट में से दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है यानी कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों में सभी 7 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकता है एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि ओपिनियन पोल की बात की जाए तो सभी 16 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल एनडीए की तरफ झुक रहा है और इंडिया गठबंधन को अभी तक एक भी सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट और 6 में से एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 4 तो इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को यहां पर 2 लोकसभा सीट मिल सकती है। केरल राज्य की, जी हाँ दोस्तों, केरल में 20 लोकसभा सीट आती है, 20 में से एनडीए गठबंधन यानी कि नरेंद्र मोदी को 2 लोकसभा सीटें, यूपीए गठबंधन का एक पार्ट इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 17 लोकसभा सीट मिल सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो 543 लोकसभा सीट में से 42 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि एनडीए को यहाँ पर 22 सीटें, इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और केजरीवाल की पार्टी को यहाँ पर 19 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बात कर लेते हैं तेलंगाना की, 17 लोकसभा सीट है, 17 में से 10 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बाकी सभी 7 लोकसभा सीट पर AIMIM और BRS को यहाँ पर मिल सकती है तेलंगाना में। पौंडीचेरी की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से 10 पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और एक लोकसभा सीट पर प्राप्त हो सकते हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की बात की जाए तो गृह राज्य में 26 लोकसभा सीट आती है, 26 में सभी 26 लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल हो सकती है। बात कर लेते हैं
पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 2 पर एनडीए, 11 पर आप और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन, बाकी अदर पार्टियों के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मेघालय की, मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। ओडिशा राज्य की बात की जाए तो ओडिशा में 21 लोकसभा सीट है, 21 में से 10 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को 2 लोकसभा सीट मिल सकती है ओडिशा में, बाकी 9 लोकसभा सीट पर बीजेडी को प्राप्त हो सकता है बहुमत। यहाँ दोस्तों ममता बनर्जी के गृह राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 42 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 23 सीटें और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों को यहाँ पर 19 लोकसभा सीट मिल सकती है। दमन और दीव की, जी हाँ दोस्तों दमन और दीव में 1 लोकसभा सीट मात्र है और यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट पर कब्जा कर सकती है एनडीए और बाकी इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। उत्तराखंड राज्य, जी हाँ दोस्तों उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 5 में से सभी 5 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र दामोदर दास गठबंधन को मिल सकता है, तो यहाँ पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मात्र 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर ली जाए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट आती है, 2 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में दोनों की दोनों लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट के साथ यहाँ पर एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी, बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए यानी कि यूपी, शॉर्ट नेम यूपी की बात की जाए तो यूपी में 80 लोकसभा सीट आती है और इस लिहाज से देखा जाए आज चुनाव हुए और 2024 का आज का रिजल्ट हो तो यहाँ पर 72 लोकसभा सीट के साथ यानी कि 72 लोकसभा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रचंड बहुमत प्राप्त कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाकी सब पार्टियां मिलाकर मात्र 8 सीटों पर अटकती भटकती नजर आ रही है। झारखंड राज्य की बात करें, झारखंड में 14 लोकसभा सीट आती है, 14 में से यहाँ पर 13 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही लोकसभा सीट आती है और 1 ही लोकसभा सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, बाकी इधर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बिहार राज्य की, बिहार में 40 लोकसभा सीट आती है, 40 में से यहाँ पर 33 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर 7 लोकसभा सीट के साथ कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी इंडिया गठबंधन में यहाँ पर 7 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु की, जी हाँ दोस्तों तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट आती है, 39 में से 16 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और यहाँ पर 15 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, बाकी अदर पार्टियों को यहाँ पर 7 सीटें जा सकती है। हरियाणा राज्य की, जी हाँ दोस्तों हरियाणा में 10 लोकसभा सीट आती है, 10 में से 8 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी, 2 लोकसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एनडीए इंडिया गठबंधन को मिल सकता है बहुमत। महाराष्ट्र की, जी हाँ दोस्तों देश के सबसे सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीट का सहयोग देने वाला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है, 48 में से 40 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी ग्रुप को मिल सकती है और एनडीए गठबंधन के खाते में 40 सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर मात्र 7 सीट यानी कि 7 सीटें, बाकी अदर पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दादरा नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन कब्जा हो सकता है। आज बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 418 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिलेगी, तो देख रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 300 सीट के साथ प्रचंड बहुमत मिल सकता है इस लिहाज से देखा जाए तो।
एनडीए गठबंधन के खाते में 92 सीटें, अदर पार्टी यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें। आंध्र प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट और 25 में से 15 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, बाकी वाईएसआर कांग्रेस को 10 लोकसभा सीट मिल सकती है। और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं राजस्थान की, 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी, बाकी एक सीट पर हनुमान बेनीवाल। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट के साथ है एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए, 1 पर इंडिया गठबंधन यानी कि 1 पर नरेंद्र मोदी, 1 पर राहुल गांधी एंड पार्टी। असम राज्य की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से 12 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है, 29 में से 25 लोकसभा सीट के साथ अच्छी खासी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो यहां पर 4 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है, 28 में से 23 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, 5 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी और उनकी पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत की, 543 लोकसभा सीट में से एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं 402 सीट के साथ। इंडिया गठबंधन के खाते में 543 सीटों में से मात्र 104 सीट पर सिमट सकते हैं और अदर पार्टियों के यहाँ पर 34 से 30 लोकसभा सीट जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।